देखो मुंह पे शैम्पू लगाया, अभी कंडीशनर करेगा, उसके बाद वैक्स लगाया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, इट्स मी अरबाज हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH ब्लॉग्स। गर्मी गर्मी गर्मी, बाप रे। आज हम इत्मीनान से होकर बात करेंगे आपसे, बिकॉज मुंबई का जो गर्मी है वो एक लेवल बढ़ चुका है। मतलब को बताता हूँ, हम पहले नॉर्मल डेज में एक बार नहाते थे, गर्मी के दिनों में हम दो बार नहाते हैं, पर ये जो गर्मी है ना बॉस, भैया खतरनाक। तीन बार ना हो, चार बार ना हो, या पांच बार ना हो, सेम फीलिंग दे रही है, चिपचिपाहट। वैसे मैं बता दूँ आपको कि आप मेरे थंबनेल को देख के तो समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। बिफोर आफ्टर, मतलब हेयर कट, राइट, हेयर कट ही नहीं, मूंछ, दाढ़ी और बाल भी बढ़ चुके हैं, और कितने बढ़ चुके हैं बताता हूँ। अगर आप नए हो मेरे वीडियो में, तो सबसे पहले बात जाके आप सब्सक्राइब करो, और एक चीज़ है, अगर आप नए हो तो ये वीडियो भी देख लो, पहले ये वीडियो देख लो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो एवरीवन, इट्स मी अरबाज हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH ब्लॉग्स। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं पगोड़ा, लाइक पगोड़ा नहीं पहुंचा हूं, एक्चुअली मैं यहां पे गोराई पहुंचा हूं। एक्चुअली मुझे कवर लेना है, तो कवर लेने के बाद में हम जाने वाले हैं मरीन लाइन, जो कि हम लोगों से भी मिलेंगे और देखेंगे कि क्या है लाइक मरीन लाइन में आज। तो गाइज लाइक कैसा है ना कि आज का जो हमारा प्लान है वो हम जा रहे हैं नेशनल पार्क। तो हमारे और एक साथी हैं, लाइक देखा जाए तो इनका नाम है विनोद, राइट, ये हमारे फ्रेंड है, भाई है हमारे, तो हम इनके साथ जा रहे हैं, हमें लेके जाने वाले, बिकॉज लाइक बाइक कैसे चलाऊंगा अब और शूट भी कैसे करूंगा, तो आज जा रहे हैं हमारे साथ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ये गोराई से पार, यहाँ पे आ चुके हैं, नया पार करके आ चुके हैं यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है एक्चुअली किस तरफ से जाना है हमें और कैसे जाना है। ओके, तो वो साइड हम पहुँच चुके हैं कानेरी केव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, ये केव्स का नाम है कानेरी केव्स, तो यहाँ पे आप आइए देखिए, बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है यार, मैं बहुत ही मज़ा आया बाइक में, क्योंकि ये जो केव्स है बहुत ही पुराना केव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना केव है। तो देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे, आपको मैं बताता हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी हैं, उनसे भी मिलाता हूँ, चलो। और गाइस कुछ फ्रेंड्स यहाँ भी मिल गए हैं। तो देखा आपने वीडियो, मतलब मेरे जो पहले का लुक है आपने देखा होगा कि कैसा लुक है, राइट, मतलब इतना भैया स्मार्ट बंदा, अभी ऐसे क्यों जंगली टाइप दिख रहा है, ऐसे दाढ़ी बढ़ा के, मूंछ बढ़ा के, बाल भी बढ़ा के, बाल दिखाता हूँ एक मिनट, बाल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, देख रहे हो कितना बढ़ चुका है, जंगली यार, मतलब खतरनाक बढ़ाना बाल। तो बाल बढ़ाने का मकसद कुछ और ही था, ये बाल है और ये बाल आता है यहाँ तक का, बहुत गंदा लग रहा है मुझे भी पता है, जंगली जंगल से आया हूँ ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं। तो बता दूं मैं आपको कि मैंने बाल इसलिए बढ़ाया, थोड़ा सब्र कर लो, जान जाओगे क्यों बढ़ाया। जैसे कि आज मैंने बाल बढ़ाया, मूंछ दाढ़ी बढ़ाई, दाढ़ी एक्चुअली पूरी आती नहीं है मुझे, बट कोशिश में था बढ़ जाए, पर कहीं और से ही बढ़ रहा है सिर्फ दाढ़ी। बता दूं कि हर किसी के पीछे एक रीज़न होता है, एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है, तो मेरे इस गंदे से दाढ़ी और मूंछ और बाल के पीछे भी बड़ा रीज़न है, वो रीज़न क्या है हम वीडियो के एंड में बताएंगे या फिर बताएंगे आपको, रिवील करता हूँ इस चीज़ के बारे में। अब मेरा एक्चुअली हुआ है प्रॉब्लम कि मैंने बाल दाढ़ी मूछ जो बढ़ा ली है, उससे पहले मैंने अपने अम्मी अब्बू को एक प्रॉमिस किया था, एंड प्रॉमिस मतलब हमने वो ज़िद में किया था मतलब ज़िद था वो,
एंड जिद कौन नहीं करता भाई, आज बच्चे करते हैं, बड़े करते हैं, बूढ़े भी करते हैं, आई मीन टू से हमारे से जो बड़े हैं तो बड़े बुजुर्ग भी करते हैं, आई मीन बुजुर्ग बोलते हैं ना। आई नो मेरे बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं हम मुझसे रोज़ पूछते हैं कि मतलब क्यों नहीं काट रहे, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये बोल दूँ कि भाई मन्नत है, कुछ मन्नत है मेरा, आई एम रियली सॉरी जिसको भी मैंने ये बताया, मैंने मन्नत बोला ये चीज़। हाँ एक तरफ से देखा जाए तो ये मन्नत ही हो गया, और एक तरफ से देखा जाए तो मेरे लिए मेरे तरफ से ये ज़िद हो गया कि मैं जिस चीज़ के लिए मैं ज़िद किया था आई मीन टू से वो ज़िद आज पूरी हो गई है, आई मीन टू से आज नहीं एक हफ्ते पहले पूरी हो गई थी। लेकिन ख़ास ये वीडियो बनाया मैंने इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ, बताएंगे अगले वीडियो में या फिर वीडियो के एंड में बताएंगे, बट अभी मैंने ये प्रॉमिस किया था अपने मॉम डैड से कि अगर जिस दिन वो ज़िद पूरी हो जाएगी तो मैं अपने दाढ़ी मूंछ और अपने बाल पूरी तरह कटवा दूंगा, आई मीन टू से टकला नहीं होगा कि मैं अपने बाल जो है छोटे करवा दूंगा, एंड छोटे करवाने के बाद मैं अच्छे से लुक अच्छा एकदम थोड़ा स्मार्ट स्वैग वाला मेरा लुक है मैं चेंज कर दूंगा, मैंने बोला था अपने अम्मी अब्बू से। अभी चलते हैं, मैं ये जो घर है फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ही है सब मेरा ही मतलब मेरे भाई का है, तो हमारे भाई जो हैं अभी तैयारी चालू है, एक्चुअली मेरे फ्रेंड कलीग दोस्त यार उनके छोटे भाई का बर्थडे है तो हम आज उनके घर पे आए थे, लेकिन अब प्लान है कि पहले बाल कटवाएंगे, दाढ़ी कटवाएंगे, मूंछ कटवाएंगे। बज रहे हैं 6:30 और 6:30 के बाद अब जा रहा हूँ मैं, पूरा दिन मैंने वेस्ट किया और अभी बना रहा हूँ, तो पहले मिलते हैं अपने फ्रेंड से मिल लेता हूँ और उनको लेकर मैं जाता हूँ अपना बाल कटवाने के लिए। मिस करूँगा यार, ये है मोहम्मद इमरान, तो हमारे जो बाल काटने वाले वो मोहम्मद इमरान भाई हैं।
on me. Promise that you'll never be lonely. Be the friend, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the friend, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. In these fast times, chasing lifelines for a lifetime. I've had my heart in the right place at the wrong time, with the right girl in another world. Maybe we would be together still. If you hate us and resent that, I don't give a shit, I'll let it spill. I don't give a damn, I'll keep it real. Cause by now I hope you know the drill. I would never lie, young forever, I ain't ever gonna die. Told me grow up and I went and showed them why I could make it. I showed them the power in youth, power in truth. The younger you stay, the closer you are to your roots. That's the reason I know. I can teach you how to hit the skies, rise above them without getting high. But if it help a bit, take a little hit, take a little sip. Put your mind at ease. Swear you got the keys, you can have your dreams. That's up to you, not what others believe. Jeez, I swear that's the part that took longest for me. तो finally hair cut हो चुका है, अब सब दाढ़ी और मूंछ के बारे में. Let's see. तो करा ना, बोल क्या रहे. ये देखो मुंह पे शैम्पू लगाया, अभी कंडीशनर करेगा, उसके बाद वैक्स लगाया. क्या बोलते, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो. वैक्स लगा ले नहीं अब. Promise that you'll never be lonely. Be the friend, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the friend, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Finally haircut करवा लिया हमने. बहुत ही अच्छा काटा है यार भाईजान ने. भाईजान जरा आओ. थैंक यू सो मच यार. सलीम सलीम भाई, इमरान 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 भाई ने बहुत ही अच्छा काटा है. थैंक यू सो मच. क्या नाम है सैलून का आपका? अनिश. अनिश, ये बोरोवली आईसी कॉलोनी में है, तो देख सकते हैं आप. थैंक यू सो मच. तो हम निकल चुके हैं यहाँ से. साज जेन्युइनली बता, कैसा लग रहा है? जेन्युइनली ऑनेस्टली 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 बच्चा लग रहा हूँ. ये सबसे अहम बात है. अगर आपको बच्चा दिखना है, मतलब बच्चा नहीं, एज छोटा करना है, तो अपनी शेविंग करवा लो. शॉप का नाम भी देख लो, बहुत प्यारा है, मस्त कटा है इसने. बहुत ही अच्छा काटा है भाईजान ने. इमरान नाम है उनका. अनिश, हाँ अनिश नाम है. तो अभी जाते हैं, इनके भाई का बर्थडे है, छोटे भाई का. नाम बता दे. पंचम भट्ट. पंचम दा. ठीक है, तो चलते हैं. पहले रेडी होते हैं, अभी फ्रेश होते हैं, और फ्रेश होने के बाद में इसके घर पर मिलते हैं. बाय. Thousand years later. हेलो जी, गुड मॉर्निंग. बज रहे हैं मॉर्निंग के 7:30. ऐसे तैसे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे इन टेरेस पे. मैं सबको बताना चाहता हूँ कि फ्यू डेज इसलिए मैंने डाला बिकॉज ऑफ मेरे बैटरी लो हो चुका था उस दिन, और मैं अपने बर्थडे पार्टी भी आपको कैप्चर नहीं करके बता पाया. और उस दिन मैं मॉम डैड का रिएक्शन भी कैप्चर करना था, बट मैं नहीं कर पाया. आई एम रियली रियली सॉरी. वैसे रमज़ान शुरू हो चुका है, तो हैप्पी रमज़ान आप सभी लोगों को. तो वैसे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा लुक जो है अगर अच्छा लग रहा है, हेयर स्टाइल और लुक, तो मुझे कमेंट करके बताइए. अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है तो जविश बता सकते हैं. तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हो
मेरे वीडियो में, तो वापस बोलना चाहूँगा सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी तो आप समझदार हो बस। एंड आपको बता दूँ वो मैं जो रिवील करना वाला था कि लाइक हेयर कट क्यों करवाया, शेविंग क्यों करवाया, तो आज इस वीडियो में नहीं होगा बिकॉज टाइम बहुत कम है हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड। वेट, मैं आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखा देता हूँ कि मॉर्निंग में कैसा होता है यहाँ का। देख सकते हैं फुल ऑन ग्रीनरी। एंड हमारे जो और एक कैमरा मैन है वो भी दिखा देता हूँ। साज बाय तो बोल दे। अरे यार अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है चलो, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुहागे रात बाल कटा रहा हूँ मैं।